आपकी पत्नी ने भी मायके जाकर के आपके ऊपर 498 का केस कर दिया है, और केस में जो भी इंसिडेंट्स वो मेंशन कर रही है वो केवल और केवल ससुराल के हैं, मायके का कोई भी इंसिडेंट नहीं है। तो आप भी केवल और केवल जुरिडिक्शन के आधार पर पत्नी के 498 को क्वैश करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या पति 498A का केस जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पर खत्म करवा सकता है? इसका मतलब ये कि पत्नी ने 498 का केस अपने मायके जाकर के किया है, जबकि जो भी उसमें वो एलिगेशन लगा रही है, जो भी वो इंसिडेंट्स लिख रही है, मेंशन कर रही है, वो सारे के सारे ससुराल के हैं। क्या 498 का केस पत्नी कहीं भी जाकर के कर सकती है? क्या वो कहीं भी ज्यूरिडिक्शन क्रिएट कर सकती है? अगर हम टेक्निकली बात करें, लीगली बात करें, तो क्या पत्नी प्लेस ऑफ इंसिडेंट से बाहर जाकर के पति के ऊपर 498 के आरोप लगा सकती है या नहीं लगा सकती है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी कहीं भी जाकर के 498 की कंप्लेंट पति के खिलाफ डाल सकती है। हालांकि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि पत्नी अपने मायके जा कर के 498 का केस करती है, जबकि सारे के सारे एलिगेशंस, सारे के सारे इंसिडेंट्स केवल और केवल ससुराल के होते हैं। दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही गलत ट्रेंड चल रहा है, जिसका पति को हमेशा विरोध करना चाहिए और केस में ऑब्जेक्शन भी लेना चाहिए। और यकीन मानिए, आप 498 का केस केवल इसी ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जुरिडिक्शन के ग्राउंड पर भी खारिज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, बहुत बारी जुडिक्शन के पॉइंट को कोर्ट महत्व नहीं देती है, इंपॉर्टेंस नहीं देती है। ये कहा जाता है कि 498A एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी कि लगातार चलने वाला ऑफेंस है, इसलिए पत्नी जहां रह रही है वो वहीं से 498A का केस कर सकती है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें केवल जुरिसडिक्शन के आधार पर 498A को क्वैश किया गया। दोस्तों, इस केस में पत्नी अपने पति के ऊपर 498A यानी कि दहेज के लिए क्रूरल्टी के आरोप लगाती है। उसका कहना था कि उसके माता पिता ने शादी में तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्चा किया और तकरीबन 3 लाख का स्त्रीधन उसे दिया। शादी के बाद वो केवल 1 महीना अपने ससुराल में रही, जहां ससुराल वालों के कहने पर पति द्वारा उसे टॉर्चर किया गया। पति ने उससे पैसे की मांग करी, ज्वेलरी की डिमांड करी। इसके बाद पति पत्नी ससुराल वालों से अलग तो रहने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनती। पत्नी आरोप लगाती है कि क्योंकि वो पैसे और ज्वेलरी नहीं ला पाई, तो उसे घर से अल्टीमेटली निकाल दिया गया। पत्नी मायके जाकर के पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 498 का पर्चा दर्ज करवा देती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी इंसिडेंट्स वो मेंशन करती है, जो भी आरोप लगाती है, वो या तो ससुराल के होते हैं या वो जहाँ पे अलग रहे थे अपने ससुराल वालों से, उस जगह के होते हैं। पर केस वो मायके जाकर के करती है और मायके में कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ। जो भी ऑफेंस हुआ, सारे के सारे या जो भी एलिगेशन थे, वो सारे के सारे ससुराल के थे। लेकिन फिर भी पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर FIR दर्ज कर ली जाती है, यानी कि 498 की FIR दर्ज हो जाती है। इसके बाद पति 498A को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करता है। हाई कोर्ट के सामने पति अपनी यही दलील रखता है, यही आर्ग्यूमेंट सकता है कि पत्नी ने मायके जाकर के केस डाला है। ऐसे में 498 की जुडिक्शन ही नहीं बनती है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट्स मेंशन किए गए हैं पत्नी के द्वारा, वो मायके से बाहर के हैं, यानी कि केवल और केवल ससुराल के हैं, जबकि केस मायके में जाके डाला गया। पति कोर्ट को ये भी बताता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पर पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस डाला था, जो कि पति के फेवर में हो चुका है, यानी कि अब मैरिज भी डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन पति का मेन ग्राउंड जुरिडिक्शन का ही था, जिसके बेसिस पर वो 498 को ख़त्म करवाना चाहता था।
दूसरी तरफ पत्नी का यही स्टैंड था कि उसकी FIR जो कि 498 की थी उसे क्वैश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 498A एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि पत्नी ने चार अक्यूज बनाए थे यानी कि चार लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे जिसमें से एक पति के ग्रैंडफादर थे जिनकी अब डेथ हो चुकी है और एक और अक्यूज थे जिनकी अभी अरेस्ट नहीं हुई थी और वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग थे। हाई कोर्ट के सामने केवल दो ही लोगों ने क्वेश्चन की पिटीशन डाली थी जो था पति और सास। दोस्तों हाई कोर्ट केस के फैक्ट्स FIR 161 की स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से एनालाइज करता है। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बहुत ही जनरल नेचर के हैं और कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं था और सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत लग रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट पर भी आता है। दोस्तों ज्यूरिडिक्शन के ग्राउंड पर हाईकोर्ट का मेन जो फोकस था वो यही था कि क्या कोई भी इंसिडेंट या कोई भी कॉज ऑफ एक्शन मायके में अराइज हुआ है जिस वजह से पत्नी ने मायके जाकर के 498 की FIR दर्ज कराई है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कंटिन्यूइंग ऑफेंस वाली जजमेंट को भी बड़े ध्यान से एनालाइज किया। दोस्तों हाईकोर्ट का मानना था कि 498A एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस तभी होगा जब क्रुएल्टी एक जगह से दूसरी जगह भी हो रही हो, मींस कॉन्टिन्यूसली चल रही हो, या पति दूसरी जगह जाकर भी पत्नी के ऊपर क्रुएल्टी करता हो। अगर ऐसा है तो ही 498A कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस में आएगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस में नहीं आएगा। दोस्तों हाई कोर्ट का यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस वाली जजमेंट इस केस पर लागू नहीं होती है क्योंकि कोई भी इंसिडेंट मायके जाकर के नहीं हुआ, यानी कि पति ने कोई भी ऑफेंस मायके में नहीं किया, जो भी आरोप उसके ऊपर लगे वो केवल और केवल ससुराल के थे। इस तरह से हाई कोर्ट ने पति और सास की क्वेश्चनिंग पिटीशन को अलाउ किया और केवल ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर पत्नी की 498 की FIR को क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। तो दोस्तों यदि आपकी पत्नी ने भी मायके जाकर के आपके ऊपर 498 का केस कर दिया है और केस में जो भी इंसिडेंट्स वो मेंशन कर रही है वो केवल और केवल ससुराल के हैं, मायके का कोई भी इंसिडेंट नहीं है, तो आप भी इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं और केवल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर पत्नी के 498 को क्वैश करवा सकते हैं जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों इस केस इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या 498 का केस मायके जाकर के रजिस्टर किया जाना चाहिए? क्या 498 का केस रजिस्टर करते समय पुलिस को ज्यूरिडिक्शन नहीं देखनी चाहिए? क्या कोर्ट्स को इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या जो माइंडसेट बन गया है कि पत्नी कहीं भी जाकर के 498 का केस कर देती है, क्या उसको चेंज नहीं करना चाहिए? दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस पॉइंट के बारे में, इस जजमेंट के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा और यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।